हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल जीरो ज्ञान। और यहाँ पे दोस्तों आज है 24 तारीख, और 24 तारीख को यहाँ पे 3 अपडेट्स आई हुई हैं UPSI की जो वैकेंसी है उससे रिलेटेड, जो पेट चल रहा है मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण नोटिस अभी अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है UPPRB की वेबसाइट पर। तो क्या है नोटिस, हालांकि आप लोगों को इसमें से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ ताकि जिनको नहीं पता हो आप प्लीज़ उनसे शेयर कर दीजिएगा कि उनकी जो दौड़ थी, मतलब बहुत से ऐसे बच्चे थे, चाहे अगर हम बात करें यहाँ पर अलीगढ़ की बात करें, या फिर हम प्रयागराज की बात करें, या फिर हम बात करें वाराणसी में, बहुत से बच्चों की 23 तारीख को दौड़ होने वाली थी सेकेंड मीटिंग में, लेकिन वो दौड़ स्थगित कर दी गई। इसलिए स्थगित कर दी गई थी दोस्तों, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी थी और बरसात थी। दैट्स वे उनको वहाँ पे वो जो उनकी दौड़ थी, सेकेंड मीटिंग होने वाली थी, उनको कैंसिल कर दी गई। उसी से रिलेटेड दोस्तों नोटिस यहाँ पे पब्लिश की गई है। अभी रिसेंटली 24 तारीख को नया नया रिसेंट अपडेट आया हुआ कि जो भी बच्चे जिनकी दौड़ अलीगढ़ में थी, या फिर जिनकी दौड़ वाराणसी में थी, या जिनकी दौड़ आपके प्रयागराज में थी, उन सबकी जो दौड़ थी 23 तारीख वाली, उनको मतलब कि उस टाइम स्थगित करके वहाँ पर बहुत से बच्चों को बता दिया गया था कि उनकी दौड़ जो है कि 26 मई को होने वाली थी, 26 मई को होगी, ठीक है। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 23 मई को वहाँ उपस्थित थे, लेकिन उनकी दौड़ नहीं पड़ी उनकी। अब जो कि नोटिस के माध्यम से बताया जा रहा है कि उनकी दौड़ जो है 26 मई को होगी। तो हालांकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को उस टाइम ही बता दिया गया था, लेकिन यहाँ पे एक मतलब ऐसे है ना, उनका जो काम है वो काम कर रहा है कि अपने वेबसाइट पे, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है UPPRB की, वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हमें अपडेट दे दिया है। देखिए यहाँ सबसे पहले जो विज्ञप्ति है, सूचना है, यहाँ पर देखिए अलीगढ़ की है, जो कि 45वीं PSC वाहिनी में इनकी दौड़ होनी थी 23 मई को, बहुत से बच्चों की, जो कि आयोजित की गई थी, लेकिन बरसात और आंधी की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया, और इसको जो है कि अब 26 मई 2022 को आयोजित किए जाएंगे में आयोजित किया जाना है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए वाराणसी में 34वीं PSC वाहिनी में बच्चों का दौड़ होना था 23 मई 2022 को, जिसको कि स्थगित करके अब 26 मई 2022 को आयोजित की जाएगी। और नेक्स्ट जो है विज्ञप्ति दोस्तों ये है, देखिए प्रयागराज की तरफ से, जिनका कि 23 मई को चतुर्थ वाहिनी PSC जनपद प्रयागराज में उनका आयोजन किया गया था दौड़ के लिए, जो कि बरसात और आंधी की वजह से कैंसिल करके अब जो है कि 26 मई को होना। एक इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे दोस्तों कि बहुत से बच्चे थे कहाँ के, यहाँ पे हैं देखिए अलीगढ़ के, जनपद अलीगढ़ के बच्चे थे जो जिनको 24 मई को दौड़ बुलाई गई थी, मतलब 24 मई को उनको दौड़ थी 45वीं PSC वाहिनी जनपद अलीगढ़ में, उनको फिर से मतलब उनका भी बरसात और आंधी की वजह से कैंसिल कर दिया गया था, और उनको जो है कि 26 मई को उनको भी बुलाया गया, ठीक है। तो सबको 26 मई बुलाया गया, लेकिन अलग अलग जहाँ जहाँ उनका दौड़ मतलब जहाँ जहाँ उनका दौड़ होना था, जिस जिस PSC वाहिनी में होना था, वहाँ वहाँ उनको फिर से बुलाया गया है। देखिए कोई एक नोटिस खोल देते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया है सब कुछ डिटेल में, यहाँ पे सब कुछ उनको बता दिया गया कि क्या क्या उनको करना है। देखिए यहाँ पे देखिए 24 मई 2022 को प्रथम पाली में इनका आयोजन था 5 बजे से प्रातः 5 बजे से प्रातः के 7 बजे तक, ठीक। इनकी जो 24 मई को इनको जो PST हुआ था, और इसके बाद इनको जो है कि बरसात होने के कारण स्थगित कर दिया गया, इनका जो दौड़ थी 24 मई को उसको स्थगित करके अब जो है कि 26 मई को 45वीं PSC वाली जनपद अलीगढ़ में साढ़े 5 से 7 बजे तक द्वितीय पाली में संपन्न कराई जाएगी। तो यानी वो दोस्तों जितने भी बच्चों को दोबारा बुलाया गया दौड़ के लिए 26 तारीख को, उनका जो भी स्केड्यूल है, जो भी दौड़ने का टाइमिंग है, वो शाम का ही टाइमिंग है, यानी 5 बजे से 7 बजे शाम में ही उनको दौड़ लगानी है, ठीक है। तो ऐसे में आप अपने को तैयार रखिए और आपको शाम को ही दौड़ करनी है। और यहाँ पे दोस्तों ये भी बताया गया हर एक नोटिस में कि अगर ऐसे मतलब बहुत से ऐसे बच्चे जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई, अगर वो अनुपस्थित हो गए वहाँ पे पहुंच नहीं पाए, तो ऐसे उनको कोई दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे कोई मतलब बोर्ड की गलती नहीं मानी जाएगी, बच्चों की गलती मानकर उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, उसके मतलब जो भी इनका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है, जो भी इनका चल रहा है फेजेस, उसमें से आउट कर दिया जाएगा उनको, उनकी जो सदस्यता को या फिर उनकी कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप एकदम बिल्कुल जिसको जिसको पता है वो वेल डन, अदरवाइज दोस्तों को जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा, वो अपसेंट ना हो किसी भी कीमत पे, ठीक है। इसी तरह जितने भी नोटिस है सब पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि सबकी जो है कि सेकेंड मीटिंग में दौड़ होनी है। जैसे जैसे यहाँ पे देख रहे थे बनारस की, यहाँ पे देखिए सब कुछ हुआ है। 23 मई को द्वितीय पाली में शारीरिक दक्षता दौड़ हो चुकी थी, किंतु तेज आंधी बरसात होने के कारण शेष बचे व्यक्ति की दौड़ स्थगित कर दी। जो शेष बचे थे, क्योंकि कुछ कुछ की दौड़ हो गई थी, कुछ शेष बचे हुए थे, उनको जो शेष बचे हुए हैं वो शेष बचे अभ्यर्थियों की दौड़ जो है 26 तारीख को होनी है 34वीं PSC वाहिनी वाराणसी में शाम 5 से 7 बजे तक द्वितीय पाली में संपन्न कराई जाएगी, ठीक। तो आप वहाँ पर एकदम उपस्थित रहिएगा, अगर किसी भी कारणवश आप अनुपस्थित होते हैं तो आपकी कैंडिडेचर को वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा, और आप इस रेस से बाहर चले जाएंगे, आपका जो है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक।
और लास्ट में बात करें दोस्तों कि क्या यूपीएसआई के जो वैकेंसी चले जो जो इसका सब कुछ चल रहा है क्या कैंसिल होगा, तो इस पे हम बात करें दोस्तों तो बहुत सारे इसमें धांधली की गई, बहुत सारे सॉल्वर गैंग को पकड़ा जा रहा है। अब तो लड़कियां भी पकड़ी जाने शुरू हो गई हैं, अभी तो बच्चे लड़के पकड़े जा रहे थे, अब लड़कियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा स्कैम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको मतलब मुझे क्या बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इसको कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि यार 2-4-10 डिस्टर्बेंस भी पूरी पूरी एग्जाम्स को डिस्टर्ब कर दिया जाता है, तो ऐसे में सब परेशान हो जाते हैं। ये सब है, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको देना था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर गलती से भी कोई बच गया ना तो यार इतना अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिलने वाला। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।